अस्सलाम वालेकुम संगत, ही दिसो असा तमान जो घिटू बिटू ये साफ प्यादा करायूं। ही हुआ घिटन में कोटो पयो हुंदो, केर भी न खणंदो, ए घिटू खराब लगी पई हुंदियूं, पर हाणे असा तमान जी या हुआ तमान कोशिश कंदा हुआ पांजी घिटू साफ करण लाय, पर असा ता के हाणे साफ ता कराई दियूं। सो हाणे अवां के घिटू भी साफ मिलंदियूं, गोठ भी साफ मिलंदो। वक्त हुयो वल ही कोटो घिटन में पयो हुंदो, केर भी न खणंदो, पर हाणे वक्त अची वियो आ। महंगाई जो दौर आ, हर शइ खपे थी। ही कुटो आ, ही शेणा हन, हिन में टोरो भी अचे थो, किन भी अचे थो, चढ़ा भी अचन था। हे ॾिसो दोस्तो, ही कुटो आ, हे बोह किनो, हे कुटो, हे बेतन जा पन भी वठूं था। हे ॾिसो, हा हे बेतन जा पन भी वठूं था, याने सफ़ाई लाज़मी आहे। हाणे अव्हां खे घिटियूं साफ़ करण जी ज़रूरत न पवंदी, याने अव्हां खे असां साफ़ कराए ॾींदासीं घिटियूं साफ़। हर शइ साफ़ थी मिलंदी अव्हां खे। अवां हाणे ॿुहारियूं बि न वठो, हाणे जंग जंग ते रखी ऐं वेही रहो, शाह परण खे वटि ॾेई। हाणे तव्हांखे इहा सफ़ाई बि न करणु पवंदी। हीउ बठो आहे ऐं हीउ बठे ते पिया था साड़ियूं। हीउ कुटो आहे जेको हूअं घिटनि में पियो हूंदो, ढेर थी वेंदा, साइडनि में केर बि न खणंदो हो। हाणे अलाह ताला जी महिरबानी सां अहिड़ो दौरु अची वियो आहे जो हर शइ खपे थी। हीउ कुटो खपे थो, लिॾियूं खपनि थियूं, हिन में टोरो आहे, सुयूं आहिनि, कावा आहिनि, हो परियां बेदनि जा पन आहिनि, हे हणखण वारो ॾांडो आहे, बूथियूं बि खपनि थियूं सारनारियूं। यानी हर शइ खपे थी पई। अव्हांखे हाणे दोस्तो जेको आहे सो सफ़ाई करण जी का बि ज़रूरत न आहे। अवल ईअं हूंदो हो त घिटियूं साफ़ु कंदासीं, साईं घिटियूं साफ़ु कयो, ॿुहारी कयो, घिटियुनि में ढेर थी वेंदा हुआ, कुटे जा घुमंदा हुआसीं, नंढा हूंदा हुआसीं त रुगो कुटो ई कुटो हूंदो हो घिटियुनि में। हाणे तव्हां कंहिं बि कुठ में ईंदव, तव्हांखे घिटियूं माशाला साफ़ थी मिलंदियूं, किथे बि कुटो तव्हांखे नज़र न ईंदो, ॿुहारी थियल तव्हांखे मिलंदियूं। सो अवां जी ख़िदमत था कयूं, अव्हांखे सफ़ाई कराए था ॾियूं। सो उन जी महिरबानी त कमेंट में ॿुधाइजो त अव्हांखे जेको आहे सो हाणे हीउ कमु असांजो कीअं लॻो। ॾिसो ई वठो आहे ऐं बठे ते माशाला कुटो बि साड़ियूं था, हर शइ जेका अचे थी उहा साड़ींदी पई। पोइ इन जो हर कंहिंजो मुख़्तलिफ़ रेट आहे, महांगाई थी वई आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कम खे त हलाइणो आहे न। पोइ उन जे करे जेको आहे सो हे शयूं बठे में साड़ियूं थियूं। तो दोस्तो, ये मिनी ब्लॉग सिंधी में इसीलिए किया कि इनके मुझे नाम नहीं आ रहे थे कि इस कुटे को उर्दू में क्या कहते हैं, या ये जो बेद के पन थे इनको उर्दू में क्या कहते हैं, और इनकी जो ज़बान है ये जो हमारे गधे गाड़ी वाले हैं या भट्ठे वाले हैं, उन बेचारों को भी उर्दू इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो इसी वजह से मैंने ये जो ब्लॉग या ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया तो ये मैंने उर्दू तो सिंधी में रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों, ये भट्ठे का माहौल है और इस भट्ठे में जो भी आता है, यानी गंद कचरा जो भी आपकी गलियों में होता है, अब भी माहौल ऐसा हो गया है कि आपकी जो गलियाँ हैं वो साफ यहाँ गांव में ये गधे गाड़ी वाले बेचारे साफ करके आते हैं। पहले ऐसा होता था कि ये घिटियाँ जो होती थी इसमें ये कुट्टा पड़ा होता था, यानी गंद कचरा पड़ा होता था। अभी ऐसा माहौल है कि ये गधे गाड़ी वाले गलियों से, गाँव से ये जो कुट्टा कचरा है साफ करके ले आते हैं हमारे भट्ठे पर, और हम इस भट्ठे में ये कुटा या ये जो कचरा है वो डालते हैं, और इससे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी ईंटें बनती थी। पहले दौर ये होता था कि ये गलियों में पड़ा होता था और कोई भी नहीं उठाता था। जब हम छोटे होते थे तो सारी गलियों में ये कुटा पड़ा होता था, यानी गंद कचरा पड़ा होता था, उसमें कांटे थे यानी वो पैरों में लगते थे। लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है और आपको झाड़ू मारने की भी ज़रूरत नहीं है। ये गधे गाड़ी वाले बेचारे गाँव से ये गंद कचरा लेके आते हैं, यानी गाँव अब जो भी गाँव है अब चमक रहे हैं, यानी सारे गाँव की जो गलियाँ हैं अब चमक रही है और साफ सुथरी हो गई है। तो शुक्रिया अदा करें हम भट्ठे वालों का कि हम आपकी सफाई करवा रहे हैं बिना पैसों में, और आपकी सफाई हो रही है। तो दोस्तों, ये भट्ठे का माहौल है और यहाँ पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से रोज़ मेला लगा होता है, और ये हमारा भट्ठा है हमारे गाँव के करीब ही, ये पीछे हमारा गाँव है और यहाँ पर हमेशा मेला लगा होता है। यानी यहाँ पर बच्चे बूढ़े हर किस्म के लोग आते हैं, गांव की करीब होने की वजह से सारे जो आदमी है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर रोज़ाना हमें नए नए कलर्स देखने को मिलते हैं नए नए कलर्स, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो बात मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो दिल से निकलती है, ओरिजिनल होती है, यानी बिना एक्टिंग के, बिना अदाकारी के। ऐसा नहीं है कि मैं अदाकारी करके ये व्लॉग क्रिएट करूं, कोशिश करता हूं जो सच्चे लफ्ज़ हो, जो ओरिजिनल लफ्ज़ हो, वो आपको दिखाने की कोशिश करूं।
तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी सपोर्ट करने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी और ये वीडियो देखने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों इससे वीडियो के साथ मोहम्मद ज़मान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा, अल्लाह नगर।